उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो वहीं समापन समारोह में अमित शाह पहुंचे। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के पहले दिन 44,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर सरकार ने निवेशकों के साथ करार किया। गृह मंत्री शाह मंच पर पहुंचे और समारोह के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज समारोह का समापन ही शुभारंभ है। गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ही एक ऐसी जगह है जहां पर निवेश शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी, और मुख्यमंत्री धामी ने इसके साथ परफॉर्मेंस भी जोड़ दी है। आज यहाँ जो युवा बैठे हैं और जो इन्वेस्टर बैठे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल हो गए, किसी एक 10 साल में इतनी बड़ी छलांग भारत के अर्थतंत्र ने कभी नहीं लगाई है जो 2014 से लेकर 2023 तक लगाई। आईएमएफ ने भी डार्क जोन में ब्राइट स्पॉट कहा। मॉर्गन स्टैनली ने उनके अनुसार निश्चित रूप से कहा है कि 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाए। प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 सालों की बात करें तो 9 सालों में उत्तराखंड के अंदर अनेक काम, ऐसे ऐसे काम जिसके बारे में पहले सोचना भी बहुत दूर की बात थी, वो सारे के सारे काम धरातल पर आज उतर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें मैं बहुत विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा।